कोरिया जिले के ग्राम सोन से मजदूरों को भरकर आ रही पिकअप वाहन ग्राम चेल में अचानक पलट गई, जिसके चलते पिकअप वाहन में सवार 30 युवकों में से कई लोगों को गहरी चोटें भी आई हैं। हादसे के बाद घायल लोगों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। आपको बता दें कि बीते दिनों कवर्धा जिले में हुए पिकअप हादसे के बाद जिले में पुलिस लगातार पिकअप वाहनों की जाँच कर रही है और इसी बीच सोमवार को मजदूरों से भरी एक पिकअप वाहन पलटने की घटना सामने आई, जबकि शासन प्रशासन का निर्देश है कि यदि पिकअप वाहनों में सवारी को भरा जाता है तो ड्राइवर का लाइसेंस निरस्त करने के साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बावजूद जिले में इन कानून का कोई खास असर नहीं आ रहा है और जिले में पिकअप चालक बेधड़क वाहनों में सवारी को ढो रहे हैं। कोरिया से विशाल सिंह की रिपोर्ट। पुलिस थाने क्षेत्र में लगातार वाहन चेकिंग कर रही है, साथ साथ में यातायात पुलिस भी वाहन चेकिंग करके वैधानिक कार्रवाई कर रहे हैं। और जो घटना घटने की बात कर रहे हैं धौरा टिकरा में, थाने में इस तरह की घटना की किसी तरह का रिपोर्ट दर्ज नहीं किया गया है। अगर रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।